खरगोन जिले के बड़वा में आदर्श नगर निवासी नाबालिग लड़की जो राज टाकीज के समीप चल रहे कार्निवार मेले में घूमने गई थी, जहां बाइक से आए तीन युवक शुभम उर्फ गनी, सोनू गोहर और शुभम चौहान लड़की के पास गए और कहा कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी अस्पताल चलो, आपको बुला रहे हैं। एक्सीडेंट की खबर सुनकर लड़की घबराहट में तीनों युवकों के साथ बाइक पर बैठ गई। तीनों युवक उसे गणगौर घाट पर स्थित पुलिया के पास ले गए, जहां युवकों ने लड़की को नशीली दवा देकर उसके साथ मारपीट की और सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की ने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की, जिसमें तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सामूहिक दुष्कर्म, पास्को एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक नाबालिग बच्ची ने थाने पे आकर रिपोर्ट किया कि जब वो कल मेला देखने गई थी तो तीन युवकों ने, जिनको वो जानती है, शुभम है और एक सोनू, दो लड़कों के नाम से शुभम है, जिन्होंने उनको बोला कि हमारे तुम्हारे पिताजी की एक्सीडेंट हुआ है, तबियत खराब है, चलना ऐसे इसको पहला फिसला के अपने गाड़ी बिठा के पीली मिट्टी के पास ले गए और गला दबा के मुँह दबा के उसके साथ मारपीट किया और बारी बारी से उसने उसके पटा काम किया। प्राथमिक दर्ज कर उसका मेडिकल भेजा गया है और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है।